बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन और भारत माता के जयकारे लगाए। बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई। समारोह में शिरकत करने के लिए कई विद्यालयों से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। अमृत महोत्सव का उद्देश्य हमारे ऐसे अनेक क्रांतिकारी क्रांतिवीर वीरांगनाओं को याद करना है, जो किसी भी परिस्थिति में हमारे आज़ादी के मूल स्रोत में हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करके आज हम स्वतंत्र आसमान के नीचे बैठे हैं। ऐसे हजारों उन कार्यकर्ताओं को जिनको हम जानते हैं, परंतु लाखों ऐसे हमारे वो क्रांतिवीर हैं वीरांगना हैं जिनको हम नहीं जानते, उन्हें जाने अनजाने वीर वीरांगनाओं समर्पित देश राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन देने वालों को हुतात्माओं को ये आदरांजलि है, पुष्पांजलि है, श्रद्धांजलि है। इसका नाम अमृत महोत्सव है। समाज के द्वारा कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से दो अंतर्राज्यीय वाहन चोर और दो एटीएम ठग गिरफ्तार हुए हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। भगवानपुर का यह पूरा मामला जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एटीएम क्लोनिंग का एक कल मामला प्रकाश में आया था, उसमें व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई कार्यकर्ता तो उसके एटीएम क्लोनिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में हिसार निवासी थाना हांसी के दो लोग सत्यवान और प्रवीण को पकड़ा गया, सांसी जाति से संबंधित है। इनके द्वारा अपने पूछताछ में बताया गया कि एटीएम क्लोनिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, जो भी डिवाइसेज है, स्कैनर्स वगैरह, ये सब ऑनलाइन जरिए लगाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। इसका टारगेट जो है गरीब तबके के वो लोग रहते हैं और